और इस बीच रायपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सोसाइटी में फसल ना बेचने के अवज में किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा अगर वे सोसाइटी में अपनी धान नहीं बेचते हैं। प्रदेश के किसानों को न्याय योजना का लाभ दिया जाएगा। 1 दिसंबर 2020 से खरीफ वर्ष की शुरुआत हो रही है और इस योजना की शुरुआत भी तभी होगी। तमाम जानकारी के साथ निधि हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ गई है। निधि, प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है, इसके साथ क्या कुछ किसानों के लिए विशेष लाभ और फायदा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, एक बार फिर राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला जो है वो किसानों के हित में लिया है कि अब जो किसान अपना धान जो है वो नहीं बेच पाते हैं या नहीं बेच पाएंगे सोसाइटी को, उन किसानों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे पहले ऐसे किसान जो अपना धान सोसाइटी में बेचते थे, उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि दी जा रही थी, लेकिन अब जो किसान सोसाइटी में धान नहीं बेचेंगे उन्हें भी 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का जो शुभारंभ है, एक तरफ से ये शुरू कर दिया जाएगा 1 दिसंबर 2020 को, अगले खरीफ वर्ष से शुरू की जाएगी ये योजना। काफी बड़ा फैसला है किसानों के हित में राज्य सरकार का। इससे पहले भी जिस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ये योजना बनाकर किसानों को उन्हें उनके धान की अंतर राशि जो है किस्तों में दी जा रही थी, लेकिन अब ऐसे किसान जो सोसाइटी में धान नहीं बेचते हैं उन्हें भी 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। काफी बड़ा फैसला है राज्य सरकार का, किसानों के हित में है ये फैसला, और ऐसे किसान जो अपने धान की नहीं बेच पाते सोसाइटी को, उन्हें भी अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल सकेगा। जी सुनीता, बिल्कुल निधि, जिस प्रकार से योजना 1 दिसंबर 2020 से शुरू हो रही है, किस प्रकार से किसानों तक पहुंचाया जाएगा? क्योंकि लगातार ये भी देखने में आया है कि सरकार योजनाएं लागू तो करती है लेकिन अंतिम व्यक्ति तक वो योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता, उन तक वो बात नहीं पहुंच पाती। इसके लिए सरकार ने क्या कुछ अभी प्रावधान किए हैं, किस प्रकार से योजना को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले बार की अगर हम बात करें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जब उन्हें किस्त की राशि दी जा रही थी वो उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती थी, जिस तरह से उनकी पहली किस्त उनके खातों में ट्रांसफर की गई है, उसी तरह से जो ये किसान है जो सोसाइटी में धान नहीं बेच पाते हैं उन्हें भी अब 10,000 की प्रोत्साहन राशि देने का जो बड़ा फैसला किया है, उनके लिए भी यही पद्धति होगी कि उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जिस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना में उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, वैसे ही इन किसानों के खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। एक तरफ से ऐसे किसान इनसे इस योजना से वंचित थे जो सोसाइटी में अपना धान नहीं बेच पाते थे, उन्हें भी ध्यान में रखते हुए, उनकी भी तकलीफें और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा और अहम निर्णय लिया है जो कि किसानों को काफी ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। जी सुनीता, बिल्कुल, तो एक बड़ा अहम फैसला है किसानों के हित में और जो ट्रांसफर किया जाएगा पैसा उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसानों को नहीं होगी। इसको ध्यान में रखते हुए 1 दिसंबर 2020 से खरीफ वर्ष की शुरुआत के साथ योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया निधि मासा जुड़ने के लिए। किसानों के हित में राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला है, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है, सोसाइटी में धान नहीं बेचने पर मिलेगा किसानों को लाभ, प्रदेश के किसानों को न्याय योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए बढ़िया।